आज से तकरीबन 7-8 साल पहले 2013 की बात है, मैं जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ा। जब जब बीए और एमए मैंने वहीं से किया है, तो बताने का मकसद यह है कि जब मैं फाइनल ईयर में मेरे साल में हमारी डिग्री पूरी होने वाली थी, तो उस साल प्रोफेसर से बैठे बैठे अलाम लगा में जब आया वहां, तो यही मित्रता पैदा हो गया। वहां तो सब तरह के रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन यही दाढ़ी यही टोपी कुर्ता पहनावा मुझे देखते प्रोफेसर ने कहा, आप आना सुनाइए मुझे देखते ही समझ गया कि मैं किसी की हाथी नहीं हूँ। कहा आप आना सुनाइए फाजिला बरेली वाली नाच नाथ। कहा बहुत सही था, सुनाइएगा चार चार सीताने गाने का लेकिन नाम जानते हैं और उनकी प्यारी नाम नाम वो क्योंकि मेरा मैदान अपने हिंदी जबान है तुझको शहर दूसरा जाना उर्दू जबान। एक ही शेर पे चार जबान, एक ही शेर पे चार जबान, इसी तरीके से हर शेर पे चार चार जबान। बहुत ही प्यारा शेर समाज समाए
और आने वाले शेर का मतलब मैं बता देता हूँ, इसलिए कि आला हजरत का शेर समझना आसान नहीं है। आला हजरत से बरकत दरकत करने के लिए सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, जितना ठहरना था ठहरे, अब काफिले के वापसी का वक्त हो गया। मैं टाइम पूरा होता है ना दाजी बरकानी वक्त पूरा हो गया, आने का दिल नहीं कर रहा है मगर टाइम टाइम हो गया, तवज्जो चाहता हूं, मुद्दत पूरी हो गई मगर आने का दिल नहीं कर रहा, आने का दिल नहीं हो रहा है, तो क्या करें आला हजरत? ऐ काफिले वालों, अपने कयाम की मुद्दत थोड़ा बढ़ा लो, इसलिए कि मेरा दिल ये सुन करके छल्ली हो रहा है कि चलने का वक्त हो गया, मेरा दिल ये सुन के छल्ली हो रहा है कि चलने का वक्त हो गया, शेर सुना सुनाए। या काफिले किसी जो लोग गए थे आला हजरत की बारगाह में अर्ज करने के लिए कि हुजूर चार जवान वाली नाम लिख दीजिए, उनका नाम था इरशाद और एक का नाम था नाद, एक का नाम था इरशाद और एक का नाम था नाद, तो अब इन दोनों ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया था कि हुजूर चार जवान वाली नाम लिख दीजिए। अब हमारा जैसा कोई आम आदमी होगा एक शेर लिख लेता और ढींगे मारता, देखो मैंने एक शेर लिखता वो भी इस तरह से मगर ढींगे जरूर मारता कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आला इतना बड़ा काम करने के बाद कहते हैं ये खामा है, ये झूठी सी चीज है, ये बड़ा बड़ा, ये तो बड़ों का, ये तो बड़े होते हैं जो बड़ा से बड़ा नहीं है। और हमारे आपके जैसे छोटा काम करके भी उसके बता देना निशा फरमाइए जल्दी से। बस खा मैं ये खा मैं नया बड़ा फायदा, ये वाला नहीं फायदा है, हम वो वाला फायदा कह रहे हैं कि इतना सुना और उसके
उसके बाद में कहा नंबर दिया जाओ, रिजल्ट आया फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। खाली नाक की बरकत, खाली दाढ़ी टोपी कुर्ता देखा सही लग रहा है नाच। और कमाल की बात तो यह था सर, जब मैंने एक शेर पढ़ा दूसरे में भूल गया, सुनिए मैं दूसरे शेर में भूल गया, वो जो सोफी नहीं है बार बार में कह रहा है, उसने खुद मुझे बताया इसके आगे क्या। ये आला हजरत का कमाल है कि अपने तो बोलते हैं उनका नाम है लेते हैं, फासले पहले भी कोई है शायर जो कमाल की शायरी करता है, जिसकी शायरी का जवाब नहीं, जिसके कलम का जवाब नहीं, जिसके फन का जवाब नहीं, जिसकी तहरीर का जवाब नहीं, जिसके फलाने का जवाब नहीं, जिसकी किताबों का जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। इसीलिए फासले पहले को हम अहले सुन्नत वल जमात आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं। वजह यही है कमाल।